आर्थिक रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐतिहासिक भ्रष्टाचार किया, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा कमाने के लिए मुनाफाखोरी को बढ़ावा दिया जिसने महंगाई को बढ़ाया। अपने फायदे के लिए भाजपा ने जनता पर बेताशा महंगाई थोप दी, नोटबंदी से व्यापार कारोबार चौपट कर दिया, भ्रष्ट जीएसटी से छोटे दुकानदार तक को मंदी का शिकार बना दिया, किसानों की जमीन हड़पनी चाही, काले कानून लाने चाहे, खाद की बोरी की चोरी की, लाभकारी मूल्य नहीं दिया, 35 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी में देश को धकेला, महंगाई से गरीब को और गरीब बना दिया, अमीरों के अरबों के लोन माफ किए लेकिन किसानों के ऋण के लिए आत्महत्या के लिए मजबूर किया, ब्याज की दरें घटाकर मध्यम वर्ग की बचत को बेकार कर दिया, बैंकों में तरह तरह के चार्ज और पेनल्टी से लोगों के खाते दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा गए, बैंक लॉकरों के नाम पर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, नैतिक रूप से चंदे तक का पैसा खा गए, केयर फंड के नाम के आगे पीएम के नाम का इस्तेमाल करके बाद में हिसाब देने से मना कर दिया, अपराधियों को शामिल करने, उनके कृत्यों पर पर्दा डालना, जैसे मणिपुर में अपने संगी साथियों द्वारा बेटी के साथ मानवीय व्यवहार में, बीएचयू छात्र अभद्रता कांड में, खीरी किसान हत्याकांड में, हाथरस की बेटी के बलात्कार हत्या व कानपुर देहात कांड में, जहां मां बेटी को झोपड़ी में जिंदा जलाकर मार डाला, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। शारीरिक रूप से देखें तो भाजपा लोगों के शरीर स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया, उसके भी दोषी हैं। भाजपा ने बिना जांच परखे जानलेवा वैक्सीन लगवाई, कमीशन खाकर गलत दवाइयों को पास करके लोगों का जीवन खतरे में डाला, इसका सीधा असर जनता की सेहत पर पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों की तंदुरुस्ती पर भी। भाजपा पीढ़ियों पर प्रहार की दोषी भी है। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।